महिला अधिकारियों कर्मचारियों के पदनाम के लिए समानता का भाव, शिक्षिका प्राचार्य के स्थान पर शिक्षक प्राचार्य पदनाम का उपयोग। सीएम शिवराज का बड़ा निर्णय यह। महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को पाठ्यक्रम से तत्काल हटाने के निर्देश। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों अकेडमिक कोर्सेज में महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को तत्काल हटाया जाए। भोपाल, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों अकेडमिक कोर्सेज में महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को तत्काल हटाया जाए। पाठ्यक्रमों का ऑडिट कर उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाने का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके साथ ही महिला अधिकारियों कर्मचारियों के पद नाम के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली में भी समानता का भाव आवश्यक है। शिक्षिका प्राचार्य के स्थान पर महिला पुरुषों के लिए समान शब्दावली जैसे शिक्षक टीचर प्राचार्य आदि पदनाम का उपयोग किया जाए। शासकीय और अशासकीय शाला गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक 3 माह में पोषण स्तर और खून की जांच आवश्यक रूप से हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंगनबाड़ियों और मिड डे मील में मोटे अनाज को सम्मिलित किया जाए। कुपोषण मैल न्यूट्रिशन में आयुष की भूमिका पर भी विचार हो। शौर्य दलों तथा स्व सहायता समूहों को ग्राम स्तर पर संयुक्त रूप से कुपोषण के साथ महिला हिंसा और दहेज प्रथा को रोकने पर नजर रखने के लिए सक्रिय किया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बालिका शिक्षा को कौशल संवर्धन से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे बालिकाओं के लिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे और महिला सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालिकाओं को भी व्यावसायिक दक्षता वाले पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। स्वास्थ्य केंद्रों तथा वन स्टॉप सेंटरों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस को सौंपे यह दायित्व। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सेफ सिटी कार्यक्रम का विस्तार किया जाए। मोबाइल से विकृति पैदा करने वाली सामग्री को नियंत्रित करना आवश्यक है। इस दिशा में आवश्यक उपाय किए जाए। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू तथा अन्य अवैतनिक कार्यों के मौद्रिक मूल्यांकन के लिए तकनीक विकसित की जाए। स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस को यह दायित्व सौंपा जाए। कामकाजी महिलाओं को सुविधा देने के लिए सभी जिलों में कामकाजी महिला वसति गृह स्थापित किए जाए। स्व सहायता समूह को अधिकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को उचित मूल्य की दुकान और सहकारी समितियों के संचालन के अधिकार सौंपे जाएं। महिलाओं को ट्रेवल गाइड वाहन चालक टूर ऑपरेटर और हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में बालिकाओं के प्रोत्साहन स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा शिक्षा स्तर में संवर्धन महिलाओं के सम्मान के लिए वातावरण निर्माण जेंडर बजटिंग संपत्ति अधिकार को बढ़ावा देने आर्थिक सशक्तिकरण बाल शोषण बाल श्रम गुमशुदा बच्चों की स्थिति बच्चों में नशे की प्रवृत्ति अनाथ और बाल देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति के संबंध में अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण पर गठित अंतर विभागीय समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर्यटन संस्कृति तथा अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस प्रमुख सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह उपस्थित थे। खेल युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।